मैंने चुटकुला सुनाया था विवादित बयान देने के बाद चरणजीत चन्नी ने मांगी माफी। महिला आयोग ने भेजा था नोटिस। गिदड़बाहा में महिलाओं पर दिए विवादित बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद चरणजीत सिंह चुनी ने माफी मांग ली है। चुनी ने कहा, मैंने एक चुटकुला सुनाया था, उसमें मेरी महिलाओं को लेकर किसी तरह की टिप्पणी करने की मंशा नहीं थी। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं आज इस पोजीशन में हूँ, इससे महिलाओं का भी बहुत बड़ा सहयोग है। मुझे महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोट करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से भी कहना चाहता हूँ कि पहले भी मुझे चुनाव के समय नोटिस भेजा गया था, अब फिर से चुनाव के समय नोटिस जारी कर दिया है। मैं सभी महिलाओं का सम्मान करता हूँ। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी में किसी महिला को ठेस पहुँची है तो मैं सभी से माफी मांगता हूँ। विवादों से चुन्नी का पुराना नाता। इसी वर्ष हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी जालंधर में पूर्व सीएम चुन्नी सैयद ने नेता बीबी जागीर कौर के गाल पर हाथ लगाने व विवादों में घिर गए थे। उस समय भी मामला राज्य महिला चुनाव आयोग के पास चला गया था, हालांकि बाद में मामला शांत हो गया था। इसके अलावा सीएम रहते हुए एक महिला आईएएस अधिकारी को गलत मैसेज करने का भी आरोप लगा था। महिला आयोग ने डीजीपी को लिखा है पत्र। इन्होंने चुन्नी के बयान पर निंदा की कि आनंदपुर साहिब से सांसद मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि चुन्नी की मानसिकता पर पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाती है। वहीं गिदड़वाहा से आप उम्मीदवार हरदीप सिंह डिप्पी ढिल्लों ने कहा कि कांग्रेस ने एक महिला को उम्मीदवार तो बनाया है, लेकिन उनके नेताओं की सोच देखिए, उसी महिला के पास खड़े होकर ऐसा आपत्तिजनक बयान देना निंदनीय है।